हमास के रॉकेट हमले को गंभीर बताते हुए इजरायली रक्षा बलों के पूर्व प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉन्ड्रिकस ने कहा है कि इजरायल का रद्दी अमल सोच से भी परे होगा। उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई केवल गाजा पट्टी तक ही सीमित नहीं होगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इजरायल पर हमास के हमले के लिए ईरान ने माली मदद के साथ साथ सुविधाएं भी मुहैया कराई हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई नियमित घटना नहीं है, इजरायल की प्रतिक्रिया अलग ही होनी चाहिए। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गाजा पट्टी पर हुए हमलों में 198 लोगों की मौत हो गई है, जबकि तकरीबन 1610 लोग जख्मी हुए हैं। इसी बीच हमास के हमलों से तिलमिला इसराइल ने अपने नागरिकों को सतर्कता बरतने और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाहें न फैलाने का आग्रह किया है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि दुश्मन की मदद ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, चेस्टी न्यूज़।